चलिए आज बनाते हैं ऑरेंज स्पाइट कैंडी का आइसक्रीम। ये बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और खाने में उतना ही टेस्टी है। तो चलिए इसका रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 10 से 12 कैंडी लेंगे और मैं तो यहाँ 10 से 12 कैंडी ले रही हूँ। आप चाहे तो इससे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद इसके सारे छिलके उतार के इसे एक मिक्सर जार में डाल के इसे ग्राइंड कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने 2 कप पानी ले रही हूँ और इसमें 1/2 कप के करीब चीनी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमने जो कैंडी को ग्राइंड करके रखा था ना, उस इसमें डाल के अच्छे से मिक्स करते हुए इसे 10 से 15 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पका लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा आइसक्रीम का कलर कितना अच्छा बन के आया है। तो इसमें हम आधा नींबू काट के निचोड़ लेंगे ताकि कैंडी का जो खट्टापन है, पानी डालने से कम हो गया था, वो खट्टापन वापस आ जाए। तो इसे हम फ्रीजर में 10 से 12 घंटे के लिए रख देंगे। और आप देख सकते हैं हमारा आइसक्रीम बनके तैयार हो गया है। तो ये हुआ ना बनाने में कितना आसान। तो आप भी इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे बनाना बहुत से बहुत आसान है।